अस्सलाम वालेकुम क्लास टू स्टूडेंट, होपफुली एंड इंशाल्लाह यू गाइस आर फाइन एंड वेरी वेल। आई एम योर जनरल साइंस एंड एसएसटी टीचर मिस यमुना मुजाहिद। दिस इज़ योर होम असाइनमेंट, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी। इफ़ योर कॉपी इज़ कम्प्लीटेड देन यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर लूज शीट। ठीक है ना। जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर, हम क्यों पानी पीते हैं। राइट नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन फोर पॉइंट्स, और क्यों ज़रूरी है वाटर पानी, चार पॉइंट लिखने हैं इसके कोई भी। ठीक है ना। क्यों हम पानी पीते हैं, ताकि हम वर्कआउट कर सकें, ताकि हम, ठीक है ना, 80% ऑफ द बॉडी दिस इज़ अ वाटर डिपेंडेंट, इट्स डिपेंड अपॉन वाटर, तो दैट्स वाई वी नीड अ वाटर। क्वेश्चन नंबर टू इज़ राइट डाउन टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सन मून एंड स्टार्स ईच। ठीक है ना। सबके दो दो करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, खसूसियात लिखने हैं। सन इज़ द हॉटेस्ट, मून के बारे में और स्टार के बारे में। स्टार इज़ द बिगेस्ट एज कम्पेयर टू मून, दे ऑल आर थिंग, तो यू हैव टू राइट डाउन एनी टू टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सन मून एंड स्टार्स। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है। व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज़ सो डेंजरस, क्यों वो बहुत ख़तरनाक है। राइट इट्स टू सेफ्टी रूल्स, और इसके सेफ्टी रूल्स लिखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे कि क्यों डेंजरस है ये, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक, अल्लाह ना करे किसी को इलेक्ट्रिक लग जाता है, किसी को बिजली लग जाती है, तो वो माफ हो जाता है, उसे नीड पड़ती है मेडिसिन की, वट एवर यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है ना। और दो सेफ्टी रूल्स भी लिखेंगे, फर्स्टली यू हैव टू वियरिंग अ स्लीपर, नॉट अलाउड वेट हैंड, गीले हाथ नहीं होने चाहिए, दिस आर द सेफ्टी रूल्स। ठीक है ना। नाउ एसएसटी क्वेश्चन नंबर वन इज़ वट हैपन ऑन हॉट डेज, कोल्ड डेज, विंडी डेज एंड रेनी डेज, डिस्कस ब्रीफली। ठीक है ना। क्या होता है हॉट डेज में, गर्म दिन में, कोल्ड डेज में, ठंडे दिन में, विंडी डेज में, इसका मतलब है जब हवा चलती है, एंड रेनी डेज में जब बारिश हो रही है, डिस्कस ब्रीफली। इन सब की एक छोटा छोटा सा शॉर्ट नोट टाइप लिखना है। ठीक है ना। राइट डाउन टू सोर्सेज एंड टू यूसेज ऑफ वाटर, क्या सोर्स हैं, कहाँ से हमें वाटर मिलते हैं, और इसके क्या यूसेज हैं। ठीक है ना। कैसे यूज़ होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ राइट डाउन फोर लाइन्स अबाउट आर नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल के बारे में छोटा सा चार लाइन का हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या है, 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल बॉर्न हुए, 21 अप्रैल 1938 को फौत हुए, डाइड हुए, ठीक है ना। उनका नाम था सर मोहम्मद इकबाल, बट उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे जाना जाता था, अल्लामा इकबाल से। वो क्या थे, पोइट थे, फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है ना। उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था, दे हैव सो मैनी पॉइंट्स। ठीक है ना। यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर कॉपी विथ नीट एंड क्लीन एंड इन योर ओन वर्ड, अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा, क्योंकि दिस मार्क्स इज इंक्लूडेड इन योर पेपर, ये मार्क्स आपको मिलेंगे जो इंक्लूड होंगे पेपर में। तो काम बहुत अच्छा कीजिएगा। इन एडवांस ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।